10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. सर्विस टैक्स, सेवा कर, सेवा करो नहीं, सेवा कर, हाँ, कर सेवा। सर्विस टैक्स बेसिकली ये लॉ या एक्ट लाने के पीछे एक्ट आज तक नहीं बना। क्या कभी भी गलती से भी मुंह से ना निकाल देना सर्विस टैक्स एक्ट, क्योंकि आज तक इसका कोई भी एक्ट नहीं है, आज तक इसका कोई भी एक्ट नहीं बना। सोचो बिना कानून के प्रोविजंस चलते हैं, कानून बना नहीं और प्रोविजंस फॉलो किए जा रहे हैं। सजा का दोषी पाया जा रहा है कि अगर आप सर्विस टैक्स नहीं देंगे तो आपके ऊपर इंटरेस्ट और पेनाल्टी लगेगी। अरे भाई, जब कानून है ही नहीं तो मेरी मर्जी, ऐसा नहीं। अब ढंग से कहानी सुनते हैं। जब हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, कौन थे, प्राइम मिनिस्टर नहीं, 92-93 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, मनमोहन सिंह, ये उस जमाने की बात है जब डॉक्टर राजा चेल्लियाह ने 1990 में, जब डॉक्टर राजा चेल्लियाह ने 1990 में 1990 में पहली बार सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था अपनी कमेटी के थ्रू कि आप हिंदुस्तान में सर्विस टैक्स को ले आइए। क्यों भाई, क्या जरूरत है सर्विस टैक्स को? अगर हम बात करें तो तीन फेज से होकर कोई देश गुजरता है ग्रोथ में, मालूम होगा इकोनॉमिक्स में तुम लोग पढ़े हो, कौन कौन से फेज, तेज बोले, प्राइमरी फेज और, हाँ उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल को, सेकेंडरी और टेरिटरी। ये टेरिटरी क्या होता है, ये तीसरा फेज होता है, प्राइमरी फेज, सेकेंडरी फेज एंड टेरिटरी फेज। ये सीपीटी इकोनॉमिक्स में या इकोनॉमिक्स में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, क्लियर। ये टर्टियरी फेज में सर्विसेज सबसे ज़्यादा होती हैं, प्राइमरी फेज में हमारा एग्रीकल्चरल फेज होता है, क्या होता है, इससे हम लोग निकल चुके। सेकेंडरी फेज में हमारा इंडस्ट्रियल फेज होता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करती हैं, इंडस्ट्री ग्रोथ करती हैं, और जब ये दोनों हो जाता है तो वहाँ पर थर्ड आता है टर्टियरी फेज, जिसको हम कहते हैं इसमें बूम रहता है सर्विसेज का। जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो किस फेज में है, मैं ये नहीं कहता कि ये खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, उस देश में रहता तीनों है, लेकिन तीनों का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे अधिक, उसके बाद मैं ये भी नहीं कहता कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पहले से कम हुई हैं। पहले मान लेते हैं जीडीपी 1 लाख का था, मान ले उसमें 60 ये था, 30 ये था और 10 ये था, समय चेंज हुआ, अब 5 लाख ये है, ये 1 लाख हो गया,
ये 70,000 हो गया, 170 हो गया और ये 230 हो गया। मेरी बात समझना, रेशियो चेंज हो गया। अब ये 20% है और ये 60% था, रेशियो चेंज हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कम हुई, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बढ़ी, बट जीडीपी के प्रोपोर्शन में सबसे ज्यादा कौन हो गया। मैंने ये नहीं कहा कि इंडस्ट्रीज कम हो गई, उसमें भी इंक्रीमेंट हुआ लेकिन प्रोपोर्शनेटली बढ़ा। और सबसे ज्यादा कौन ग्रोथ किया, कहने का मतलब ये कि हम कोई भी देश हो, इन तीन फेजेस में जाएगा ही जाएगा, आज नहीं तो कल। और हिंदुस्तान तो धीरे धीरे डेवलपिंग से डेवलप की ओर बढ़ ही रहा है, नहीं बढ़ रहा। जब डेवलपमेंट की कंडीशन में पहुंच जाएंगे, डेवलप्ड कंट्री की कंडीशन में, और उस समय हम सोचेंगे अब हमारे यहाँ टैक्स रिफॉर्म्स क्या होने चाहिए। बेटा तुम्हें आहट तो उसी समय मिल गई थी जब हमारे यहाँ सर्विसेज बढ़ने लगी थी। तो डॉक्टर राजा चेलियाह कमेटी ने उसी समय बताया था, फर्दर इन 1990 द टैक्स रिफॉर्म कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ लेट डॉक्टर राजा चेलियाह, इट वॉज रिकमेंडेड टू इंट्रोड्यूस द सर्विस टैक्सेस इन इंडिया। अब चूंकि नई चीज थी सर्विस टैक्स हिंदुस्तान में, आश्चर्य की बात है, एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, फीस ले रहा है, अब टैक्स लो, इतनी अजीब बात है। हेयर सैलून में हम अपने बाल कटाने गए, क्यों हंस रहे हो, हेयर सैलून में हम अपने बाल कटाने गए, वहां पर भी सर्विस टैक्स लग गया। हाँ या ना, बोलो। शादी कराने गए थे अपनी, तो मंडप कीपर ने जो हमसे पैसा वसूला उस पर भी टैक्स लग गया। सर्विसेज टैक्स लग रहा है, आश्चर्य नहीं है। किसी से बोलो, अरे मजाक की बात नहीं है, अब तो झाड़ू लगाने वाला भी सर्विस टैक्स देगा अगर उसकी लिमिट के क्रॉस हो जाए तो, सफाई करने वाला, सफाई कर्मी। चले 1992 में मनमोहन सिंह जो उस समय क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर तो बाद में बने, उस समय क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, सॉरी 94 में फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने 94 में अपने बजट में बोला, कोई चीज बोली, अब मैं वो बोलने जा रहा हूं, ये मटेरियल है और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सर्विसेज हैं, अगर मैं ये पेन बेचूं तो इस पर लगना चाहिए सेल्स टैक्स। क्या लगना चाहिए, सेल्स टैक्स। और अगर मैं सर्विसेज बेचूं तो क्या सर्विस टैक्स नहीं लगना चाहिए। क्या फर्क है किसी गुड्स को सेल करने में और सर्विसेज को सेल करने में? सर कोई फर्क नहीं है, फर्क केवल इतना है गुड्स में मटेरियल होते हैं, लेबर होते हैं और अदर एक्सपेंसेस होते हैं, सर्विसेज में लेबर होता है और एक्सपेंसेस होते हैं। गुड्स और सर्विसेज में केवल एक जगह फर्क आता है, सामान का एग्जिस्टेंस में ना होना। गुड्स में ये एग्जिस्टेंस में होता है, जबकि सर्विसेज में कोई एग्जिस्टेंस गुड्स का नहीं है, पक्की बात है ना। तो क्या केवल इसी शर्त पर हम लोग सर्विस टैक्स लगाना छोड़ दें कि सामान नहीं है सर्विसेज हैं? बेच तो हम दोनों रहे हैं, चाहे सर्विस बेचो चाहे गुड्स बेचो। तो अगर हम गुड्स पर टैक्स लगा रहे हैं सेल्स टैक्स, तो सर्विसेज पर सर्विस टैक्स क्यों नहीं? हमें ऐसा कोई सफिशियंट या स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है कि हम सर्विस टैक्स पर टैक्स ना लगाएं। ये किसने बोला था, मनमोहन सिंह ने। जरा देखें, टिल 94 सर्विसेज इन आर कंट्री वेयर नॉट टैक्सेबल। हाँ, 94 तक हमारे देश में सर्विस पर सर्विस टैक्स नहीं लगता था। गुड्स वेयर टैक्स बट इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज द गुड्स एंड सर्विसेज बोथ वेयर टेकन ऑन द सेम फुटिंग। दोनों को एक जैसा माना जाता है डेवलप्ड कंट्री में, चाहे आप सर्विसेज बेचो चाहे सामान बेचो।
द सेम फुटिंग एज फार एज द टैक्स इज कंसर्न. सो इन 94 डायरेक्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह हु वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट टाइम इंट्रोड्यूस सर्विस टैक्स बाई सेइंग देर इज नो साउंड रीजन फॉर एग्जेम्प्टिंग सर्विसेज फ्रॉम टैक्सेशन वेन गुड्स आर टैक्सेबल एंड मेनी कंट्रीज ट्रीट गुड्स एंड सर्विसेज अलाइक फॉर टैक्स पर्पजेज. कि गुड्स और सर्विसेज दोनों को कई देश क्या मानते हैं, एक जैसा मानते हैं. क्या मानते हैं, एक जैसा मानते हैं. तो हम लोग टैक्स क्यों ना लगाएं. लेकिन मालूम तो ये था सरकार को कि फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू लॉन्च और इंट्रोड्यूस सर्विस टैक्स एवर इन इंडियन हिस्ट्री. फर्स्ट टाइम हिंदुस्तान में क्या लगने जा रहा था, तो सरकार ने कहा चलो एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, पता नहीं बाद में हाथ वापस खींचने पड़ जाएं. तो क्यों ना एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हम सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस करें. न तुम दुखी न सरकार दुखी. सरकार ने केवल एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया और शुरू में केवल और केवल 3 सर्विसेज को इनके दायरे में रखा. और शुरू में जब इंट्रोड्यूस किया तो केवल और केवल 3 सर्विसेज को सर्विस टैक्स के दायरे में रखा. ये तीनों सर्विसेज हैं थर्ड कैटेगरी. देखिए जरा थर्ड पॉइंट. हाउ मेनी सर्विसेज वे कवर्ड इन फर्स्ट ईयर. 3. पहला टेलीफोन, नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड स्टॉक ब्रोकर. टेलीफोन, नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड स्टॉक ब्रोकर, 3 सर्विसेज को उनके दायरे में रखा. टेलीफोन, नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड स्टॉक ब्रोकर. अब जरा देखो क्या रीजन था इन 3 के पीछे रखने का. टेलीफोन एक्सचेंज, सरकारी ऑफिस होती है, सरकार को मालूम था सरकारी ऑफिस पर दबाव बनाना आसान है, कोई विरोध होगा नहीं, पक्की बात है, बोलो ना. टेलीफोन एक्सचेंज पर अगर हम लोग, टेलीफोन कम्युनिकेशन सर्विसेज पर अगर हम सर्विस टैक्स लगा दें तो क्या बुरी बात है, कौन आएगा विरोध करने, सरकार खुद का तो विरोध करेगी नहीं, बोलो. काम हो गया, काम हो गया. स्टॉक एक्सचेंज अमीरों की बात है, शेयर्स खरीदने और बेचने वालों की बात है, लगा दो सर्विस टैक्स. और तीसरा नॉन लाइफ इंश्योरेंस पर, लाइफ इंश्योरेंस पर नहीं, नॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट पर भी सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लगा दी गई. इन 3 कैटेगरीज को इंट्रोड्यूस किया गया, टेलीफोन, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, स्टॉक शेयर्स और स्टॉक. टेलीफोन, नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड स्टॉक्स. क्लियर है. सरकार ने देखा इतनी ज्यादा कमाई, इतना तो हमने सोचा ही ना था, और वो एक्सपेरिमेंट सफल हो गया. और तुम लोग को ये जानकर हैरानी होगी, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर सर्विस टैक्स को लाना था, तो एक बात बताओ, 3 सर्विसेज को लाने के लिए हम एक एक्ट निकालें, क्या एक्ट निकालें, कानून पास करवाएं. सरकार वैसे ही हर साल बजट पेश करती है, आम बजट, मैंगो बजट, बोलो, यानी कॉमन पीपल का बजट. वो जो बजट होता है, सुनना, वो कब किया जाता है, इस बार का कब है और कब है वो, बस कल की ही तो डेट है जब आम बजट पेश किया जाएगा. कौन सा बजट. अब देखो इस बजट में क्या होगा, इसको हम नाम देंगे फाइनेंस एक्ट 2015. इसको हम क्या नाम देंगे जो कल बजट आने वाला है, बोलते क्यों नहीं, फाइनेंस एक्ट 2015. जो कल बजट आएगा उसका नाम यही आएगा. और जब ये बजट आएगा तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016, जिसको हम कहेंगे प्रीवियस ईयर इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, पक्की बात है. और इसका पहली बार जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 1/4/2016 से 31/3/2017. इसको हम नाम देंगे असेसमेंट ईयर. क्लियर हुआ.
तो तुम लोग जो इस समय असेसमेंट ईयर पढ़ रहे हो, सुन, जो तुम लोग के मई और नवंबर एग्जाम में है 2015 में, वो है असेसमेंट ईयर 15-16। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर 14-15, इसका मतलब फाइनेंस एक्ट 2014। तुम लोग किसकी स्टडी कर रहे हो? फाइनेंस एक्ट 2014 की। और जो मैं अब पढ़ा रहा हूँ इस समय, वो भी मैं किसके हिसाब से पढ़ाऊँगा? क्योंकि तुम लोग के एग्ज़ाम में मई और नवंबर में यही आने वाला है। बोलते क्यों नहीं, पक्की बात है। तो ये जो बजट आएगा, ये इस तरह से इसका सिस्टम रहेगा, पक्का। हटा सकते हैं इसको। अब जब ये फाइनेंस एक्ट आएगा, इसमें कौन सी चीजों को शामिल किया जाएगा? इसमें शामिल किया जाएगा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें इनकम टैक्स में जो चेंजेस आएंगे वो भी आएंगे, इसमें जो वेल्थ टैक्स में जो चेंजेस आएंगे वो भी आएंगे, इसमें जो सर्विस टैक्स में जो चेंजेस आएंगे, सेल्स टैक्स में जो चेंजेस आएंगे, सेंट्रल सेल्स टैक्स में, बोलो, कस्टम में जो चेंजेस आएंगे और एक्साइज में जो चेंजेस आएंगे, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल की जाएंगी। जितने भी चेंजेस होंगे उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा और इस कानून को पास किया जाएगा। कानून मतलब फाइनेंस एक्ट को पास किया जाएगा पार्लियामेंट में। क्या किया जाएगा? और ये अप्लाई हो जाएगा आपके एक्ट में। जहाँ जहाँ वो सेक्शन जाना होगा, वो सेक्शन वहीं रिप्लेस या अपनी जगह ले लेगा। क्लियर है? पक्की बात है। तो फिर तुम लोग पढ़ोगे, अच्छा अच्छा ये अमेंडमेंट आया है, अच्छा अच्छा ये इस साल से आया है, पढ़ते ही हो, वो हो जाता है। क्लियर हुआ? यानी अब जितने भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हमारे कानून हैं, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, कस्टम, एक्साइज, जितने भी हैं, उन सबके लिए एक फाइनेंस एक्ट डाला गया। फाइनेंस का मतलब होता है वित्त, जो पैसे से रिलेट करे। क्लियर है? उसके लिए पूरा। अब इसमें यह भी बताया जाएगा कि किस चीज़ पर कितना खर्च होना है। डिफेंस पर कितना खर्च होना है, ये मेरा बजट है। इसमें यह भी बताया जाएगा विमेन सेफ्टी के लिए कितना खर्च किया जाएगा। इसमें यह भी बताया जाएगा, अच्छा ट्रेन पर तो बता ही दिया गया, रेलवे बजट, हाँ या ना, वो तो आ ही गया, देख लिया तुम लोगों ने। अब जितने भी एनजीओस के ऊपर, नॉन प्रॉफिट, प्रॉफिट मेकिंग चीज़ों के ऊपर जितने भी खर्च होने हैं वो बताया जाएगा, कितने प्रोडक्टिव कितने अनप्रोडक्टिव खर्चे वो भी बताया जाएगा, देश की कैसे दशा सुधरेगी वो भी बताया जाएगा। क्लियर है ना? यानी फ्यूचर के बारे में प्रोस्पेक्ट करना। हटाएं इसको। तो अब जरा देखो, जब एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर आया था तो उस समय का जो फाइनेंस एक्ट था 1994 में, कौन सा फाइनेंस एक्ट रहा होगा? 1994 में फाइनेंस एक्ट 1994, क्योंकि 2015 में फाइनेंस एक्ट 2015, तो उस समय 1994 में 1994 में फाइनेंस एक्ट 1994, उस समय जो ये आम बजट पेश हो रहा था उसमें इस चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। क्या किया गया? इंट्रोड्यूस किया गया सर्विस टैक्स के बारे में। कोई कानून नहीं बना हुआ है, कोई सेपरेट एक्ट नहीं है, न इनकम टैक्स न सर्विस टैक्स था ही नहीं एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट था, एक्साइज एक्ट था, कस्टम एक्ट था, सेल्स टैक्स एक्ट था। किसमें इसको इनकॉर्पोरेट किया जाए वो बात की बात है, लेकिन पहले तो हमें ये मालूम है कि कोई एक्ट था ही नहीं, लेकिन इन तीन चीज़ों को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर लाने के लिए उस फाइनेंस एक्ट में शामिल कर लिया गया। यानी कानून तो बन गया, एक तरह से कानून बन गया, लेकिन अलग से इस सर्विस टैक्स का कोई एक्ट नहीं बना। अच्छा, तो आगे से हम जब भी सर्विस टैक्स की बात करेंगे, हम फाइनेंस एक्ट 1994 की बात करेंगे। गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा दिखा, तो गवर्नमेंट ने कहा तीन सर्विसेज पर इतना फायदा, ये लो पांच सर्विसेज और। फिर कुछ सर्विस रेवेन्यू बढ़ गया गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ने फिर अगले साल ये लो 10 सर्विसेज और, फिर से कुछ सर्विसेज का दायरा बढ़ गया, लोगों से टैक्स वसूला जाने लगा। हर साल करते करते 125 के आसपास सर्विसेज पहुंच गई। कितनी? 125। इतनी ज़्यादा सर्विसेज, अब बच्चों को याद करना पड़ता था, लोगों को बुक्स पलटनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि सर्विस टैक्स दो तरह से हम चार्ज कर सकते हैं। कितने तरह से?
कितने तरह से चार्ज कर सकते हैं? दो तरीके हैं सर्विस टैक्स को लोगों से वसूलने के लिए। पहला अप्रोच कहलाता है सेलेक्टिव अप्रोच। ये सर्विस पर टैक्स लगेगा, इस सर्विस पर टैक्स लगेगा, इस पर लगेगा, इस पर नहीं लगेगा, इस पर नहीं लगेगा, इस पर लगेगा, ये कंडीशन होंगी तो ये लगेगा। इसको हम कहते हैं सेलेक्टिव अप्रोच। और एक होता है कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच। कौन सा अप्रोच? कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच। सब पर लगा दो, इन इनको छोड़ दो। सब पर लगा दो लेकिन इन इनको छोड़ दो। इसका मतलब कि जब भी कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच से टैक्स लगेगा, वहाँ पर निगेटिव लिस्ट इशू की जाती है कि किन किन पर टैक्स नहीं लगेगा। जब सेलेक्टिव अप्रोच है तो वो खुद ही बताता है इस पर लगना है, इस पर लगना है, इस पर लगना है, इस पर लगना है। लेकिन जब कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच यूज करेंगे तो वो ये बताएगा कि इन सब पर लगेगा। कोई भी सर्विस हो, किसी भी तरह की सर्विस हो, सर्विस टैक्स चार्ज होगा, लेकिन इन 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 पर छोड़ करके, यानी निगेटिव लिस्ट उस समय रिलीज की जाती है। पक्की बात है? अब 125 के आसपास सर्विसेज पर सर्विस टैक्स लग रहा था, गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। लालच बुरी बला। अब गवर्नमेंट को समझ में आया, अब बताओ तुम लोगों ने एक एक करके पकड़ा गया सर्विसेज को, यानी किस बेसिस पर टैक्स लगाया गया था, सेलेक्टिव बेसिस पर या कॉम्प्रहेंसिव बेसिस पर? यानी शुरू में हम लोगों ने सेलेक्टिव अप्रोच यूज किया, लेकिन बेटा अब गवर्नमेंट की आंखें खुल गई। गवर्नमेंट ने कहा अब काम करते हैं। अब क्या करते हैं? एक काम करते हैं, हम कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच यूज करें। अब किसी भी सर्विस को नहीं छोड़ेंगे। ये फाइनेंस एक्ट 2014 से आया तुम लोग का? कब से? फाइनेंस एक्ट 2014 से, कि सारी सर्विसेज को इसके दायरे में ले आओ, किसी को छोड़ो मत। निगेटिव लिस्ट बता दी गई। क्या बता दी गई? निगेटिव लिस्ट बता दी गई। अब हम लोग को सर्विसेज के बारे में भी पढ़ना है और उन निगेटिव लिस्ट के बारे में भी पढ़ना है जिन पर सर्विस टैक्स नहीं लगता। पक्का? हुआ क्या था, थोड़ी सी स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं। सरकार काम कैसे करती है? सरकार ने, गवर्नमेंट ने क्या किया? सबसे पहले पकड़ा सीए को। जब टैक्स लगा रहे थे सर्विस के मामले में, तो लॉयर भी सर्विसेज दे रहे हैं और सीए भी सर्विसेज दे रहे हैं। दे रहे ना? पक्की बात? इनकम टैक्स वो भी काम करते हैं, इनकम टैक्स का काम सीए भी करते हैं। ऑडिट का काम छोड़ दो तो इनकम टैक्स का काम वो भी कर रहे हैं। अब हुआ क्या, सरकार ने सबसे पहले सीए को पकड़ा कि टैक्स लगेगा तुम लोगों के ऊपर। अब सीए मुट्ठी भर बेचारे, कितने मुट्ठी भर। अब हुआ विरोध, अब पढ़े लिखे लोग कितना विरोध करेंगे सड़क पर उतर उतर करके। क्यों? काली पट्टी बांध लेते, लाल पट्टी बांध लेते, सड़क पर जुलूस निकालते, मशाल जुलूस, कि नहीं लगना चाहिए टैक्स, शांति जुलूस निकालते। कुछ होना होना तो था नहीं। वकील साहब अपने चैम्बर में, लगाओ बेटा टैक्स ये लोगों पर लगाओ, मजे लेते थे। उनको ये नहीं मालूम था कि एक बार अगर उन पर लग गया तो अगला चानस उनका है। उसके बाद सीए आप ऑफिस में, बेटा लगा था, बड़ा मजा ले रहा था ना, तेरे ऊपर लगा, बड़ा मजा आ रहा है। तो सरकार ने ऐसे धीरे धीरे सेलेक्टिव अप्रोच को यूज़ किया था टैक्स लगाने के लिए, ठीक है ना, और बहुत ही सोच समझ करके। और आज उन्होंने पूरी तरह से कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच यूज़ कर लिया कि अब सब पर टैक्स लगेगा, सारी सर्विसेज पर टैक्स लगेगा, इन इनको छोड़ करके। हाउ मेनी सर्विसेज वेयर कवर्ड इन द फर्स्ट ईयर? टेलीफोन, नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड स्टॉक ब्रोकर्स। स्टॉक ब्रोकर्स। सर्विस टैक्स इज रिलेटिवली न्यू कंसेप्ट एंड दे आर टू अप्रोचेज ऑफ इम्पोजिंग द टैक्स ऑन सर्विसेज। द फर्स्ट वन इज सेलेक्टिव अप्रोच एंड द सेकेंड इज कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच। Under the comprehensive approach, all the services are taxed at once, and if lawmaker want to exempt some of the services, then a negative list is to be released. लिखा हुआ है ना? और आज की डेट में कौन सा सर्विस लगता है, कौन सा अप्रोच लगता है? कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच, यानी लेकिन निगेटिव लिस्ट हम लोग को देखनी पड़ेगी। Why we have adopted the selective approach? मैंने बता दिया, ये कहानी अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हम लोगों ने सेलेक्टिव अप्रोच को यूज़ क्यों किया। बताने की जरूरत है?
एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब होता गया। और सरकार देखो क्या करती थी कि हमेशा फाइनेंस एक्ट 1994 को जाकर के सुधार करती थी। 2000 आया, 1999 आया, कुछ सर्विसेज लॉन्च करनी थी, फिर से फाइनेंस एक्ट 1994 में सुधार किया गया। फिर 2000 आया, फाइनेंस एक्ट 1994 में सुधार किया गया। फिर 2005 का फाइनेंस एक्ट रिलीज हो रहा है, लेकिन उसमें फाइनेंस एक्ट 1994 को सुधार किया जा रहा है। बात समझना, यानी हमेशा अमेंडमेंट किस में होता था? फाइनेंस एक्ट 1994 में। तो सर्विस टैक्स का आज भी कोई एक्ट नहीं है, और हमको आज भी भरोसा और रिलाय करना पड़ता है किस पर? फाइनेंस एक्ट 1994 पे। बोलो व्हाई वी हैव अडॉप्टेड द सेलेक्टिव अप्रोच, हमने बता दिया क्यों। व्हाट इज द करंट सिचुएशन राइट नाउ, वी हैव स्विच ओवर फ्रॉम सेलेक्टिव अप्रोच टू कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, नेगेटिव लिस्ट इज इफेक्टिव नाउ एंड द रेस्ट ऑल द अदर सर्विसेज आर टैक्सेबल, बता तो दिया। बोलो ना, नहीं बोलोगे। द सर्विस टैक्स इज गवर्न्ड इन आर कंट्री बाय फाइनेंस एक्ट 1994, व्हाई द सर्विस टैक्स इज नॉट गवर्न्ड बाय सर्विस टैक्स एक्ट। अब कुछ बताना बाकी रह गया है क्या इसमें? नहीं, कोई कारण बताना बाकी रह गया है क्या इसमें कि क्यों हम लोग सर्विस टैक्स एक्ट नहीं देख रहे हैं बल्कि फाइनेंस एक्ट 1994 की ओर देख रहे हैं सर्विस टैक्स के लिए? लिखा है देयर इज नो सर्विस टैक्स इन, देयर इज नो सर्विस टैक्स एक्ट इन आवर कंट्री। द फाइनेंस एक्ट 94 विच वॉज कन्वर्टेड फ्रॉम फाइनेंस बिल 94 वॉज द पार्ट ऑफ बजट ऑफ 94 विच वॉज प्रेजेंटेड बाई डॉक्टर मनमोहन सिंह इन 94 वेन ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। वन ऑफ द चैप्टर, चैप्टर नंबर 5 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 94 कंटेंट द स्टेचुटरी प्रोविजन एज एप्लीकेबल विद रेस्पेक्ट टू द टैक्सेशन ऑफ द सर्विसेज इन आर कंट्री। ओफ, फाइनेंस एक्ट 1994 में चैप्टर नंबर 5 को कंटेंट किया गया क्या चार्ज करने के लिए? सर्विस टैक्स। सो चैप्टर 5 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994 इज द एक्ट फॉर टैक्सेशन ऑफ सर्विसेज इन आर कंट्री। आज भी वही चल रहा है। As the first instance, only 3 services were covered under the net of service tax. Hence, on experimental basis, the provision might have been introduced in one of the chapter of the Finance Act. So, please see that there is no service tax in our country, and Finance Act 94 is working as service tax act. And remember, Section 64 to 96 are applied. Clear? Pakki baat. Important to note the most important point. While referring the various sections, student will have to refer the Finance Act 94, such as Section 64 of the Finance Act 1994, and not the Section 64 of the Service Tax Act 1994. ध्यान देना, मुंह से मत बोल देना Service Tax Act का Section 64. अरे बेटा गलत जवाब है, Finance Act 1994 का Section 64 बोलोगे। जब भी सर्विस टैक्स की बात करोगे वहां पर फाइनेंस एक्ट 1994 का सेक्शन 64 चैप्टर 5 उसकी बात होगी। क्लियर? बात समझ में आई? यहां तक तो हमें नहीं लगता कोई डाउट है, केवल कहानी ही तो थी। हाँ या ना? इज इट एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया? हाँ जी, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके। हाँ जी, जम्मू एंड कश्मीर को क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया जम्मू एंड कश्मीर को? वहां की पार्लियामेंट में लागू नहीं होता, वहां की पार्लियामेंट अलग है। रीजंस तुम लोग जानते हो क्यों ऐसा हम लोग करते हैं, क्यों जम्मू कश्मीर को छोड़ देते हैं? एक राजा थे हरी सिंह या वीर सिंह, हरी सिंह। जब देश आजाद हुआ था तो सारे जितने भी छोटी छोटी सल्तनत थी, ये दिल्ली सल्तनत, नाम सुना होगा, ये दिल्ली सल्तनत बोलते थे ना, ये पटना सल्तनत, ये लखनऊ, हर जगह के अलग अलग राजा महाराजा थे। हर थोड़ी दूर पर जाओ एक नया राजा बैठा हुआ है, ऐसे सिंह नहीं ताज पहने, साफा पगड़ी या ताज पहने बैठा था। हम राजा हैं इस, ये रियासत मेरी है, ये प्रजा मेरी है, और रहता था छोटा सा कुनबा है कि नहीं? तुम्हें कैसे मालूम? हाँ कर रहे हो
नवाब कहते थे, राजा कह रहे थे, कहलाते थे, महाराज कहलाते थे, तो और उनका स्टेट होता था। क्या होता था? एक स्टेट होता था और अपने अपने सबके कायदे और कानून थे। जब देश आज़ाद हुआ तो ज़रूरत पड़ी सारी जगहों पर एक जैसा कानून लाने के लिए, सबको एक जगह लाने के लिए मुहिम चल पड़ी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खूब काम किया, नाम सुना होगा, कई लोगों ने काम किया, कई स्टेट अपने मन से मिल गए, मिलते गए, हिंदुस्तान का आकार बड़ा होता गया, रियल सेंस में यूनाइट होता गया। जब बात आई जम्मू एंड कश्मीर की, तो वहाँ के राजा ने कहा ये स्वर्ग है, अरे मजाक नहीं, ये स्वर्ग है, और अगर हम इसको हिंदुस्तान में एज यूजुअल मिक्स कर देते हैं तो वहाँ से लोग यहाँ आकर ज़मीनें खरीदेंगे, क्या खरीदेंगे, और यहाँ बिजनेस लगाएंगे और इस स्वर्ग को पॉल्यूट करेंगे, क्या करेंगे, खराब करेंगे, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमारी कुछ मांगे हैं, अगर उन मांगों पर विचार किया, वल्लभ भाई पटेल ने बोली भाई आना हो तो आओ, नहीं तो फिर कल सेना तो भेज ही देंगे। तो उसने कहा मेरी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को मानो तो हम आ जाएं। बोलो, उसने शर्त ये रखी कि कोई भी कानून पास होगा वो मेरी प्रजा के खिलाफ, यानी जम्मू कश्मीर की प्रजा के खिलाफ नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप पास कराना चाहते हैं कानून तो पहले यहाँ की गवर्नमेंट से एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी। मेरी बात समझ में आई? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर तुम लोग चाहो जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीदना तो तुम लोग के लिए पॉसिबल नहीं है, मालूम है ये? तो अब आप लोग जम्मू कश्मीर को खराब नहीं करेंगे, उसको स्वच्छ रखने में हमारी मदद करेंगे। कानून बन गया, क्लियर है? तो जब सर्विस टैक्स गवर्नमेंट लॉन्च की तो वहां की गवर्नमेंट ने सीधे सीधे मना कर दिया कि हम इस एक्ट को अपने यहां अप्लाई नहीं होने देंगे, सर्विस टैक्स वहां पर अप्लाई नहीं होगा, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, बोलो ना, इनकम टैक्स एक्ट, ये सब अप्लाई होगा। कौन सा एक्ट अप्लाई नहीं होगा? सर्विस टैक्स। पर्पस क्या था इसका? कि वहां की जो जनता है, वहां के जो पीपल्स हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन ना पड़े। पर्पस तो यही होगा कि सर्विस टैक्स को हम नहीं आने देंगे, हमारी जनता में प्रॉब्लम आ जाएगी, उन लोग को टैक्स जेब से देना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि अगर मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो सर्विस टैक्स कौन भरेगा, तुम या मैं? तुम भरोगे, मैं तो केवल कलेक्ट करूँगा और सरकार के खाते में जमा करूँगा। बोलो, हंसने वाले क्या बात है, सही बता रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, मैंने तुमसे लिया सर्विस टैक्स का अमाउंट और गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दिया, मेरा कुछ नुकसान नहीं, लेकिन बोझ किस पर पड़ा, उस मासूम जनता पर। और यही चीज़ वहाँ पर भी अप्लाई होती है। कैसे? ये दिल्ली है और ये पक्की बात, अगर आप यहां के किसी बंदे को सर्विस देते हो तो इसको हम कहते हैं सर्विस रिसीवर और इसको हम कहेंगे सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस देने वाला और सर्विस, बिम लगाकर बैठ जाओ, कुछ और सपोर्टिंग चाहिए तो कुछ लकड़ियां वकड़ियां ला उस पर रख कर सो जाओ। तुम भी बिम लगाए हुए हो, सपोर्ट लिए हुए हो, चलें चलें। इसको हम कहेंगे सर्विस प्रोवाइडर और इसको हम नाम देंगे सर्विस। टैक्स किसको बर्दाश्त करना है, इसको या इसको? यूपी वालों को, क्योंकि सर्विस रिसीवर अगर यहां का है तो इसको टैक्स देना पड़ेगा, अपनी जेब हल्की करनी पड़ेगी।
सर्विस प्रोवाइडर भी दिल्ली का और सर्विस रिसीवर भी दिल्ली का, तो टैक्स यहां से लिया जाएगा और गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दिया जाएगा। बोझ दिल्ली की जनता पर पड़ा, यहां बोझ यूपी की जनता पर पड़ा। सर्विस रिसीवर, सर्विस प्रोवाइडर यहां का, सर्विस रिसीवर यहां का, बोझ किसके ऊपर पड़ा? दिल्ली वाले के ऊपर। तो क्या टैक्स लगना चाहिए? हाँ, क्योंकि बोझ किसके ऊपर पड़ा? दिल्ली। लेकिन अगर ये सर्विस रिसीवर हो और ये सर्विस प्रोवाइडर हो तो टैक्स किसके ऊपर बर्डन लगेगा? किसके ऊपर बर्डन पड़ेगा? इसके ऊपर। अरे बोलने दो, अगर लगेगा तो इसके ऊपर बर्डन लगेगा। तो कहा गया हम ऐसा काम नहीं होने देंगे। तो ये सोचना कि यहां का सर्विस प्रोवाइडर हो, यहां का सर्विस रिसीवर हो तो भी माफ है, इस गलत फहमी में मत रहना। क्लियर है? यहां का सर्विस प्रोवाइडर यहां सर्विसेज दे रहा है तो इसको टैक्स देना है, क्योंकि बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? दिल्ली के ऊपर, ना कि जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। जबकि यहां पर बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? जम्मू कश्मीर की मासूम जनता के ऊपर। तो वहां पे क्या कर दिया गया? हटाया गया। इस रेफरेंस में सर्विस टैक्स वहां एप्लीकेबल नहीं होता, लेकिन वहां के लोग यहां से सर्विस टैक्स नहीं लेंगे ये कहीं लिखा नहीं। अब क्लियर हुआ? बोलो ना, कहानी समझ में आई? तो सर्विस टैक्स अप्लाइज थ्रू आउट इंडिया एक्सक्लूडिंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द एक्ट्स, द डेफिनेशन इज गिवन इन सेक्शन 2। क्या नहीं समझ में आया? मैक्सिमम एक्ट्स देखो तो वहां सेक्शन 2 में डेफिनेशन, सेक्शन 2 में डेफिनेशन। सर कोई भी एक्ट उठा लीजिए सेक्शन 2 में डेफिनेशन देख ली, लेकिन सुनना, सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल एंड कमेंडमेंट, सेक्शन 2 में डेफिनेशन। ये एक्ट स्टार्ट हो रहा है सेक्शन 64 में, तो डेफिनेशन किस सेक्शन में? कॉमन सेंस, ये डेफिनेशन हो जाएगी सेक्शन 65। हाँ भाई बोलो, नहीं बोलोगे? तो यहां पर लिखा है सीन्स वी हैव ओनली सेक्शन 64 टू 96, हेंस देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हैविंग डेफिनेशन इन सेक्शन 2। द डेफिनेशन पार्ट ऑफ द सर्विस टैक्स लॉ इन आवर कंट्री इज कवर्ड इन सेक्शन 65 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994। यहां तक कोई दिक्कत? अब जब कानून ही नहीं बना, सर्विस टैक्स एक्ट नहीं बना, सुन लो इंपॉर्टेंट चीज है, जब सर्विस टैक्स एक्ट नहीं बना तो सर्विस टैक्स एक्ट वसूलने कौन आएगा? मैं सर्विस टैक्स ऑफिसर हूं बेटा, कानून तो दिखा। कौन सा ऑफिसर? सर्विस टैक्स ऑफिसर कहीं तो नहीं है। सर्विस टैक्स एक्ट होगा तो सर्विस टैक्स ऑफिसर होगा। सरकार ने तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इस काम को स्टार्ट किया था और कहा कि चूंकि ये इनडायरेक्ट टैक्स तो इसका हेडेक हम दे देते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम को, यानी यही अथॉरिटी जो एक्साइज और कस्टम का काम देखती है वही अब काम संभालेगी, किसका? सर्विस टैक्स का। सोचो बेचारे थोड़ा बहुत जो आराम करते थे वो आराम भी मारा गया। यानी अब वो तीन तीन चीजें देखते हैं, एक्साइज, कस्टम, कस्टम ही कस्टम, और सर्विस टैक्स ऊपर से एक और। कितनी चीजें, पक्की बात है। अब हम ये नहीं बोलेंगे सर्विस टैक्स ऑफिसर, मैं बोलूंगा मैं एक्साइज ऑफिसर हूं, मैं एक्साइज सुपरिटेंडेंट हूं, आपसे सर्विस टैक्स लेने आया हूं। हां जी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको आपको वो रोल दिया गया है। तो कभी ये मत लिख देना सर्विस टैक्स ऑफिसर, सर्विस टैक्स ऑफिसर। थैंक यू, पक्की बात, चल सकते हैं आगे। इन इंडिया वी डोंट हैव अ सेपरेट सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट एंड द सर्विस टैक्स इन आर कंट्री इज गवर्न्ड बाय सेंट्रल बोर्ड एंड एक्साइज डिपार्टमेंट। हाँ बेटा मजाक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट। रीजन, कारण, एज वी डोंट हैव द सेपरेट सर्विस टैक्स एक्ट,
एंड ओनली 3 सर्विसेज वेर इम्पोज्ड इनिशियली ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस. द कंप्लीट हेडेक वॉज हैंडेड ओवर टू द सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट. सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम डिपार्टमेंट. लेकिन अब जरूरत आ चुकी है कि आप किस में ले आए इसको, सर्विस टैक्स एक्ट में. लेकिन आज तक एक्ट नहीं बना, तो सर आखिर ये बनेगा कब? अब तो कंप्रहेंसिव सिस्टम आ गया है सर, अब तो कंप्रहेंसिव सिस्टम आ गया है, अब तो एक्ट बना दो, अब तो एक्ट ला दो मेरे सरकार. लेकिन कहा गया कि आने वाला कल जितने भी सेल्स टैक्स हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के वैट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सीएसटी, बोलो, और जो सर्विस टैक्स है और जितने भी लोकल टैक्सेस हैं सेल पर, वो सब खत्म हो जाएंगे और एक बन जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स. गुड्स एंड सर्विस टैक्स. जीएसटी का इंतजार हो रहा है. क्या हो रहा है अब? यहां तो आज सर्विस टैक्स एक्ट लाओ और अगले साल तक खत्म कर दो. कल क्या हो किसने देखा? हो सकता है कल की डेट में ही सर्विस टैक्स, अरे जीएसटी आ जाए. कुछ मालूम है क्या? तो जीएसटी का ही इंतजार है, एक ही एक्ट आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी. तो उसी का इंतजार हो रहा है, इसीलिए सर्विस टैक्स एक्ट नहीं आ रहा. कैसे काम होता है? सबसे ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो वित्त मंत्रालय, जो कल देंगे आपको भाषण, आम बजट पेश करेंगे आपके फाइनेंस मिनिस्टर. बात नहीं, हम भी अवॉइड करने लगेंगे, समझ में आ जाएगा. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, क्या? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ रेवेन्यू. मिनिस्ट्री है क्या? नहीं सर, वो तो डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री तो एक होती है. तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कलेक्शन का काम करता है, जो मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है. और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के नीचे आ जाएगा आपका अथॉरिटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम. कस्टम कस्टम सीबीईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम. अच्छा सर, सबसे पहले ऊपर कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. उसके नीचे कौन? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के नीचे इनकम टैक्स अथॉरिटी आएगी, सीबीडीटी. डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर सीबीईसी भी आएगी, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर सीबीडीटी भी आएगी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट टैक्स को वसूलने का काम करे. हाँ है ना? और ये हमारी अथॉरिटी है एक्साइज कस्टम, जो इनडायरेक्ट टैक्स वसूलने का काम करती है, उसी को ही ये सर्विस टैक्स का भी जिम्मा दे दिया गया, सीबीईसी. तो तीन टिप शुरू से समझ में आए. देखो चेन कैसे बनी हुई है. सबसे ऊपर बॉस कौन? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. के ऊपर कौन? नीचे कौन? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू. उसके नीचे कौन? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम. उसके बाद सेंट्रल एक्साइज जोन हेडेड बाई चीफ कमिश्नर. वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ने अपना काम किनको सौंप रखा है? चीफ कमिश्नर्स को. और चीफ कमिश्नर ने अपना काम सौंप रखा है कमिश्नर्स को. क्लियर है? तो पहले कमिश्नर, उसके ऊपर चीफ कमिश्नर, उसके ऊपर हमारा सीबीईसी, सीबीईसी के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. बोल सकते हो? टू कोऑर्डिनेट द वर्क बिटवीन सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, सेंट्रल एक्साइज जोन एंड सेंट्रल एक्साइज कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्विस टैक्स वॉज अपॉइंटेड इन 97. फिलहाल वो बात की बात है. अब तीन लिस्ट हैं हमारी, हमारे ऊपर जब भी कोई टैक्स लगाया जाता है ना. नहीं देख लो टाइम, घड़ी नीचे लगा दे. दिक्कत हो रही है ऐसे देखने में. सुन, पेशेंस नहीं है. अच्छा, पेशेंस नहीं है. हम चाहें तो इन सब चीजों को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं.
हम सीधे सेक्शन 2 से सॉरी सेक्शन 65 या सेक्शन 64 से स्टार्ट करते, क्या दिक्कत थी? क्यों हम कहानी एक घंटा बताएं? ताकि एक बार जब दिमाग में कहानी सेट रहती है तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब अपने आप निकल करके आते हैं। फिलहाल हैव पेशेंस डोंट बी पेशेंट। देखिए, कोई भी टैक्स गवर्नमेंट हमारे ऊपर तब तक नहीं लगा सकती, कितना जोर देकर जब देना पड़ रहा है, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ न करे। कौन अलाउ न करे? जब तक हमारा संविधान अलाउ न करे गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कौन होती है हमारे ऊपर टैक्स नया इम्पोज करने वाली? और कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में कि सर्विस टैक्स ला सकते हो, क्योंकि हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, जब हमारा संविधान बना था, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था, तो उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि सर्विस टैक्स नाम की कोई चीज़ कभी हिंदुस्तान में आएगी। बात समझना, तो उस समय ऐसा कोई प्रोविज़न बनाया ही नहीं गया था। पक्की बात है, तीन लिस्ट होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में टैक्स इम्पोज करने के लिए। कितनी लिस्ट हैं? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। क्या है सर ये लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3? लिस्ट 1 होता है यूनियन लिस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दिया गया है कि आप टैक्स चार्ज कर सकते हैं। स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2 में कहा गया है स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो टैक्स चार्ज कर सकती है। कंकरेंट लिस्ट, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के पास मिलकर पावर है कि आपस में बातचीत करके टैक्स चार्ज कर सकते हैं। लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, इट कंटेन्स द मैटर इन रेस्पेक्ट ऑफ विच ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ लेजिस्लेशन। स्टेट लिस्ट, लिस्ट 2, इट कंटेन्स द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ओनली द स्टेट गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ लेजिस्लेशन। लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट, इट कंटेन्स द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच बोथ द जनरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ लेजिस्लेशन। हाँ या ना? मैं ऊपर से पढ़ देता हूँ, तीनों लिस्ट जान गए। द गवर्नमेंट ड्राइव्स इट्स पावर टू लेवी टैक्सेस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Elaborate provisions have been made in the Constitution of India to regulate the power of taxation of both the central and state government. No tax shall be levied. और Constitution के Article 265 में क्या लिखा है? संविधान की Article 265 में क्या लिखा है? लिखा है No tax shall be levied or collected except by authority of law. Clear? Thus the government may levy a tax on the citizen only under the authority of the Constitution of India. यानी Constitution के बाहर जा करके government of India भी हमारे ऊपर tax नहीं लगा सकती। अब नीचे entries 82 to 92C of list 1 enumerate the subject where the central government has power to levy taxes. Entries ये, entries तीसरा सुन लो, entry number 92C, उसको हम emphasize करेंगे पढ़ने में अभी। एंट्री 92C, एंट्री सी को सी, द यूनियन लिस्ट ऑफ द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ यूनियन लिस्ट, 92C ऑफ द यूनियन लिस्ट, अंडरलाइन कर लें, 92C ऑफ द यूनियन लिस्ट, और टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एनेबल्स द यूनियन टू लेवी टैक्सेस ऑन सर्विसेज। इनिशियली देयर वॉज नो स्पेसिफिक एंट्री इन द यूनियन लिस्ट फॉर लेविंग सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स वॉज लेविड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट बाई ड्रॉइंग पावर फ्रॉम एंट्री नंबर 97 ऑफ यूनियन लिस्ट। और एंट्री नंबर 97 इज अ रेजिड्यूरी एंट्री, बचा खुचा 97 में डाल दो। सुन लो, ये यूनियन लिस्ट के एंट्री नंबर 97, जिसको हम लोग कहते हैं रेजिड्यूरी एंट्री, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक जाने अनजाने में पावर दे दिया है कि वो चाहे तो कोई भी ऐसा टैक्स इम्पोज कर सकती है जो ज़रूरत के मुताबिक हो। अब 97 में चूंकि गवर्नमेंट के पास ऐसा पावर मौजूद था, तो उन्होंने टैक्स चार्ज कर दिया। क्लियर?
97, एनी अदर मैटर नॉट इन्यूमरेटेड इन लिस्ट टू एंड लिस्ट थ्री इंक्लूडिंग एनी टैक्स नॉट मेंशन्ड इन इधर ऑफ दोज लिस्ट। ओहो, तो एंट्री नंबर 97 में कहा गया कोई भी ऐसा टैक्स आप लगा सकते हो जो लिस्ट टू और लिस्ट थ्री में नहीं इम्पोज किया गया है और कोई टैक्स लगाना जेन्युइन है। तो ये 97 हमारे पास थी एंट्री। The residuary entry provides wide power to the central government in respect of taxation of the subject not mentioned in the list given by the constitution. भले ही constitution में specifically taxation on services नहीं था, बावजूद इसके एक residuary entry थी जिसका सहारा लेकर के government ने service tax charge कर दिया। बोलो ना। हाँ। 92C. However, as a result of deliberation between the states and the central, as per the recommendation of the various expert committee, entry 92C was introduced 2003 में, कब? With effect from 7th of January 2004, और 92C एक entry लाई गई है, पार्लियामेंट में amendment करके, पार्लियामेंट में कानून पास करके, entry number 92C लाई गई है, taxes on services, अब बताओ, अब तुम लोग मुझे बताओगे 1994 में तो ऐसी कोई एंट्री थी नहीं 92C। 1994 में केवल एंट्री नंबर कौन सा था? 97 रेजिडुअरी एंट्री, जिसका सहारा लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर टैक्सेशन चार्ज कर दिया सर्विस टैक्स। उसके बाद 2004 में गवर्नमेंट ने एक एंट्री पास कर दी एंट्री 92C, जिसमें कहा गया टैक्सेशन ऑन सर्विसेज इज द पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे कैन चार्ज टैक्सेस ऑन सर्विसेज ऑल्सो। हाँ या ना, अब बताओ तुम लोग के ऊपर कौन सी एंट्री लागू होती है, 97 या 92C? 92C। इतनी मार खाओगे 92C के हिसाब से अगर गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी तो सबसे पहले उसको सर्विस टैक्स एक्ट बनाना पड़ेगा। आज भी वो एंट्री होने के बावजूद हम लोग किस एंट्री का सहारा लेते हैं? एंट्री नंबर 97। आज भी हम लोग रेजिडुअरी एंट्री के दायरे में आते हैं, भले ही 2004 में 92C को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अच्छा, नीचे देखो नोट लिखा हुआ है, फालतू की कहानी अब हम हटा रहे हैं। ऑल्दो पार्लियामेंट हैज पास द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेकिंग एंट्री 92C टू द यूनियन लिस्ट, दिस प्रोविजन हैज नॉट येट बीन मेड इफेक्टिव बाय द पार्लियामेंट, कंसिक्वेंटली सर्विस टैक्स इज प्रेजेंटली कलेक्टेड अंडर द पावर ऑफ एंट्री 97। मान ली, लिख लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हो सकता है एग्जाम में एक नंबर का प्रश्न पूछ ले कि आपका सर्विस टैक्स एंट्री नंबर 92C से गवर्न होता है या एंट्री नंबर 97 से, तो तुम लोग का जवाब होगा एंट्री नंबर 92C। अच्छा अच्छा 97, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, पक्का ना, आगे चल सकते हैं। सर्विस टैक्स ला, सर्विस टैक्स ला, कुछ लोग कहते हैं ला पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? तो हम भी पढ़ने जा रहे हैं सर्विस टैक्स लॉस। लोग कहते हैं ना कानून के बच्चे को क्या बोलते हैं मालूम है? दामाद, सन ऑफ लॉ। क्या बोलते हैं बोलो? अच्छा नहीं मालूम। सर्विस टैक्स लॉज, सर्विस टैक्स लॉज में लॉ केवल अकेले नहीं बनता एक्ट से, किसी भी लॉ को बनने के लिए जरूरी होती है एक्ट, किसी भी लॉ को बनने के लिए जरूरी होता है रूल्स, किसी भी लॉ को बनने के लिए जरूरी होते हैं सर्कुलर्स, नोटिफिकेशन, ट्रेड नोटिसेस, केस लॉज। इन सबको अगर एक जगह खिचड़ी मिला दो प्रॉपरली तो ये बन जाएगा सर्विस टैक्स लॉज। लेकिन अब यहाँ पर एक्ट तो है नहीं, अब हम बोलेंगे सर्विस टैक्स लॉज बनता है फाइनेंस एक्ट 1994 से, सर्विस टैक्स रूल्स से, सर्कुलर से, नोटिफिकेशन से, केस लॉज से, ट्रेड नोटिसेस से, दैट्स इट, क्लियर है? अब फाइनेंस एक्ट 1994 कुछ बताना बाकी रह गया है क्या उसमें? सेक्शन 64 टू लेकर सेक्शन 96, चैप्टर नंबर 5, रूल्स ऑन सर्विस टैक्स।
सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर दिया गया है कि वो चाहे तो समय समय पर रूल्स बना सकती हैं। एक्ट होता है क्या करना है, एक्ट होता है कानून क्या करना है और क्या नहीं करना, और रूल्स बनते हैं कैसे करना है, रूल्स बनता है कैसे करना है। नोटिफिकेशंस ऑन सर्विस टैक्स, मान लो साल के बीच में गवर्नमेंट को कोई चेंजेस लाने हो, कानून में कुछ चेंज लाना हो, तो सरकार साल के अंत का इंतज़ार करेगी, वो नोटिफिकेशन के थ्रू ला सकते हैं। किसके थ्रू ला सकते हैं, अंडरलाइन कर लो, दीज नोटिफिकेशन यूजुअली डिक्लेयर डेट ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ सर्विस टैक्स प्रोविजन, प्रोवाइड रूल्स रिलेटिंग टू सर्विस टैक्स, मेक अमेंडमेंट देयर इन, प्रोवाइड और विदड्रॉ एग्जेम्पशन फ्रॉम सर्विस टैक्स और डील विद एनी अदर मैटर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में थिंक। यानी जो भी अब एक्ट में चेंज होने हैं साल के बीच में, दीज चेंजेस कैन बी अप्लाइड वाइड नोटिफिकेशंस। क्लियर। सर्कुलर्स और ऑफिस लेटर, अंडरलाइन कर लेना CBEC, सर्कुलर्स हैं और ऑफिस लेटर जिसको हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। CBEC इश्यूज डिपार्टमेंटल सर्कुलर्स और इंस्ट्रक्शन लेटर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, अपने ऑफिसर्स को CBEC सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम अपने ऑफिसर्स को बोलता है, तू एक्साइज ऑफिसर है तेरे ऊपर ये ले इंस्ट्रक्शंस मैं देता हूँ या देती हूँ। CBEC क्या करेगी, इंस्ट्रक्शंस देगी, सर्कुलर्स इशू करेगी और ये सर्कुलर्स को फॉलो करना पड़ेगा उन ऑफिसर्स को जो उनके अंडर में आते हैं, सबऑर्डिनेट्स होते हैं। यानी CBEC अपने सबऑर्डिनेट्स को एक इंस्ट्रक्शन दे सकती है, ट्रेड नोटिसेस, ऑफिस लेटर्स दे सकती है, सर्कुलर्स दे सकती है उनको फॉलो करने के लिए। क्या है, टाइम टू एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज एंड द स्कीम ऑफ सर्विस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशंस, दीज सर्कुलर्स हैव टू बी रीड विद द स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट नोटिफिकेशंस ऑन सर्विस टैक्स। ऑर्डर्स देख लेना, ट्रेड नोटिसेस देख लेना, रोल ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या रोल है एक CA साहब का, एक CA साहब का क्या रोल होता है सर्विस टैक्स में। सबसे पहला काम तो वो एडवाइस देने का करता है, ये तो मालूम है ना, CA का चेहरा सामने ही आते ही याद आता होगा, बक 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 बक, उस एडवाइस देने का काम करता है। क्या देने का काम करता है, वो एक्सपर्ट होता है एडवाइस देने में, क्या करने में, एडवाइजरी सर्विसेज। अरे तू सर्विसेज दे रहा है, टैक्स नहीं दे रहा, आजा सर्विस टैक्स के बारे में मैं तुझे बताऊं, आओ सुनाऊं सर्विस टैक्स की तुम्हें कहानी। प्रोसीजरल कंप्लायंसेज, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या कंप्लाई करना है, कौन सा फॉर्म भरना है, कैसे फॉर्म भरना है, किस तरह से कैलकुलेशन होना है, दिक्कत हो रही है, कानून के बारे में नहीं जानना चाहते हम, है ना, आ जाओ मेरे पास, फीस ले आओ, हम तुम्हें बताएंगे सर्विस टैक्स रिटर्न कैसे भरते हैं, कैसे हियरिंग में जाते हैं, कैसे अटेंडेंस देते हैं, कब कब पेमेंट करेंगे और कितना पेमेंट करेंगे, वो हमसे सीखो, हमसे जानो, हम तुम्हारा काम करने को तैयार हैं। पर्सनल रिप्रेजेंटेशन बुलाया गया है सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट में, हाँ सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम में बुलाया गया है हियरिंग के लिए, नोटिस है, मैं जाऊँगा, तुम्हें तो तुम तो देख करके तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी, तुम्हारे हाथ और पाँव फूल जाएंगे, मेरे हाथ पैर पहले से ही फूले हुए हैं और क्या फूले गए कि नहीं बोलो, तो वहाँ पर पर्सनल रिप्रेजेंटेशन दिया जा सकता है। सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, CA साहब को नहीं जानते, हम लोग सर्टिफाई भी कर सकते हैं और ऑडिटिंग का काम भी कर सकते हैं, ठीक है ना, तुम्हारे रिटर्न्स वगैरह हम भरने का काम करेंगे। ऑनरस टास्क टू कीप पेस, पुराने CA हो गए, सर्विस टैक्स वही हम पढ़ रहे हैं, सेलेक्टिव अप्रोच, मार्केट में चेंज आ भी गए कि अब सेलेक्टिव अप्रोच नहीं कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच, हमें पता ही नहीं है, सुधबुध नहीं है दुनिया की, काम में इतने मगन है। अरे अब अगर रिटर्न फाइल करोगे, कोई भी काम करोगे, तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो नॉलेज तो होनी चाहिए, तो CA को ज़रूरत है कि हमेशा किताब खोलकर पढ़ता रहे
जो जो चेंजेस आए हैं उन चेंजेस को अपडेट करें। इसीलिए कहा जाता है ओनरस टास्क टू कीप पेस, कि सीए साहब को ओनरस टास्क टू कीप पेस, यानी हमेशा अपने को अपडेट करना पड़ेगा, हमेशा चीज़ों को अमेंड करके चलना पड़ेगा, हमेशा चीज़ों को, यानी जो जो नए नोटिफिकेशन सर्कुलर्स आ रहे हैं सीए साहब को उनकी जानकारी होनी चाहिए। एक्ट में कहाँ कहाँ चेंज हो रहे हैं, क्लाइंट आकर बताए वो अच्छा या हम क्लाइंट को बताएं वो अच्छा, क्या चाहते हो? क्लाइंट आकर बताए साहब साहब वो चेंज हो गया, अच्छा कब से? तो बड़ा टेंशन हो जाएगा, वो कहेगा साहब मेरी फाइल दे दीजिए हम ले जा रहे हैं, हम दूसरे सीए साहब से कराएंगे जिसको जानकारी हो, अच्छा कब से ये तो बताओ, बैठो बैठो तो हमें पता ही नहीं चला चेंज हो गया। तो आज की मुलाकात बस इतनी। दैट वॉज द कंप्लीशन ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ सर्विस टैक्स, जिसमें केवल कहानी सुनाई गई तुम लोगों को। कोई डाउट हो, यानी सीए साहब क्या क्या काम करेंगे चलो बताई दो, एडवाइजरी सर्विसेज देंगे, पर्सनल रिप्रेजेंटेशन देंगे, सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट का काम करेंगे, ओनर्स टास्क टू कीप पेस, दैट्स इट। थैंक यू बच्चों।